नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहदिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में रियासती पुश्त पनाही में चाइल्ड पोर्नोग्राफी ग्रोहों के फैलते जाल और बलोच तलबा की जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाकयात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों पर खसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही बिजली और पानी की शदीद किल्लत को लेकर कराची के बाशिंदों में बढ़ती बेइत्मीनानी के अलावा हफ्ते भर की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तानी फौज पर लगाए चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट की पुश्त पनाही के इल्जाम। पाकिस्तान में बलोच तलबा की जबरन अगवाकारी में इजाफे को लेकर मच रहा कोहराम। और बिजली पानी की सप्लाई में इम्तियाजी सलूक से दोचार कराची के मुहाजिर खानदान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची का, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी गिरोह के जाल में फंसी अकलती शिया खानदान की नाबालिग लड़की दुआ जहरा की रिहाई के लिए शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कराची की सड़कों पर सरापा एहतजाज मुतासरा खानदान और सिविल सोसाइटी ने सिंध पुलिस और हाईकोर्ट के जानिबदाराना रवैये की पुरजोर मजम्मत की और पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी गिरोहों की पुश्त पनाही करने के संगीन इल्जाम लगाए। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के, और कराची में सड़कों पर उतरी अकलियती शिया बिरादरी और सिविल सोसाइटी के। ये एहतजाजी मुजाहरे सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए उस फैसले के खिलाफ किए गए जिसमें कराची से दो महीने पहले अगवा हुई शिया खानदान की नाबालिग बच्ची दुआ जहरा को अगवाकारों और चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट के हवाले कर दिया गया। यही वजह रही कि कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज दुआ जहरा के मुतासरा खानदान और समाजी और इंसानी हकूक कारकुनान ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इंसाफ की गुहार लगाई। जब दो महीने आप बच्ची किसी को रखते हैं, आप उसकी गलत वीडियो बनाते हैं, आप धमकाते हैं, मारते हैं, उसको गलत आप मैसेज देते हैं, तो जाहिर है बच्चा तो फौरन आके यही करता है। वो तो नजर ही आ रहा था कि जब वो बात कर रही थी तो ऐसी थी जैसे बस अभी गिर जाएगी, ठीक है। और उसको एक बच्चे का बयान तो वैसे भी आप देखें, पहले जो निर्मा का जो हुआ था उसमें उससे बयान नहीं लिया गया, उन्होंने कहा आपका बयान हमें नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चा वहां से आता है तो वो नहीं कि बोली बोलेगा, उसको जो प्रेशर है वो तो वही बोलेगा ना। उसको आप रिलैक्स करने के लिए छोड़ा जाता है, उसके बाद लिया जाता है, और फिर जब उसकी एज कम होती है तो उसको दारुल अमान में दिया जाता है। ये नहीं करते कि जहाँ से आप बच्चे को अगवा जहाँ से लोगों से लाते उन्हीं को दे देते कि जी आप ले जाए, ये आपकी चीज है। ये कहां का इंसाफ है मुझे बताएं। कराची से दो महीने पहले अगवा शुदा 14 साल की दुआ जहरा को पुलिस ने 6 जून को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया। लिहाजा चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट के जुल्म तशद्दुद और जिंसी ज्यादती से डरी सहमी अपनी मासूम बेटी की काबले जार हालत देखकर माँ बाप का कलेजा कांप उठा। ताहम सिंध हाई कोर्ट के जजों और पुलिस की मिली भगत से चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलविस अगवाकार दुआ जहरा को लाहौर लेकर फरार हो गए, और आला अदलिया के फैसले की वजह से लाचार दुआ जहरा के माँ बाप अपनी बेबसी पर आंसू बहाते रहे। जो वो लड़का है वो गरीब है, उसको माली बताया जा रहा है नॉल, तो उसके पास 60,000 रुपए कहाँ से आए जहाज की फ्लाइट के, लेकिन चलो गाड़ी बस जनाब, लेकिन फ्लाइट के पैसे उसके पास कहाँ से आए? कोई तो गैंग होगी उसके पीछे जो उसको इतना सपोर्ट कर रही है और इतना पैसा और सब कुछ फैसिलिटीज दे रही है। दुआ जब गायब हुई तो उसे कहाँ रखा कुछ नहीं पता, दुआ कहाँ रह रही थी कुछ नहीं पता, किसी को किस हाल में थी। जब उस पर लोगों ने रेड कर लिया और उसको पाया गया तो वो इतने कोने में बैठी हुई बेचारी सहमी भी, उसको इतना कहा इन लोगों ने मैनिपुलेट करा है, इतना टॉर्चर किया है उसको, इतने ड्रग्स और ये सब दिए हैं, उसका दिमाग अभी ब्रेन वॉश कर दिया, उसका दिमाग हाजिर नहीं है फिलहाल। वो अपने माँ बाप को देख के रो रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके पेरेंट्स बता रहे थे, एंड लाइक इतना तो होना चाहिए किसी में। चलो सब छोड़ो, ह्यूमैनिटी यार, ह्यूमैनिटी के लिए कर लो, आप ह्यूमैनिटी के लिए उस बेटी को छोड़ दो, उस बच्ची को छोड़ दो, उसको अपने पेरेंट्स के पास जाने दो।
सिंध खासकर कराची पुलिस को 16 अप्रैल को दुआ जहरा की अगवाकारी की एफआईआर तक दर्ज करने में टाल मटोल करती रही, लेकिन सोशल मीडिया पर जब 14 साल की दुआ जहरा के अपनी मर्जी से लाहौर के अगवाकार जहीर अहमद के साथ फर्जी निकाह करने का वीडियो वायरल करवाया गया तो दुआ जहरा के वालदैन ने अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर सिंध पुलिस के आईजी का तबादला कर दिया गया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में सरगर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी ग्रोहों और पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ की जानिब से दबाव बढ़ने पर सिंध पुलिस और हाईकोर्ट के जजों का रवैया बिल्कुल बदल गया। नतीजतन दुआ जहरा की उम्र के बारे में उसके वालदेन की जानिब से अदालत में जमा कराए गए तमाम सरकारी दस्तावेजात नजरअंदाज कर दिए गए और फर्जी मेडिकल रिपोर्ट में दुआ जहरा की 16-17 साल उम्र बताकर 8 जून को उसे चाहे जहां जाने के अदालती फैसले पर अगवाकारों के हवाले कर दिया गया। इस नाइंसाफी और जुल्म ज्यादती ने पूरी इंसानियत को झिंझोड़ कर रख दिया। अब किस तरह से लीगलाइज कर रहे हैं और फिर ये जज ने किस अंधे तरीके से, जो भी उसकी एज का मामला था, आपने कैसे उसको लीगल कर सकते हैं? फिर आप लोगों ने मजाक ड्रामा किया है, शनाख्ती कार्ड जब आपके सिंध का है, शादियां जाके आप वहां पे करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा सकते? फिर आप लोग रियासती सतह पे ये प्रोटेक्शन दी जा रही है, ये माफिया है, ये पूरा रैकेट है जो कि इस तरह की बच्चियों को अगवा करता है। दुआ जहरा के माँ बाप सामने आए हैं, इसलिए हमें इस तरह के रैकेट का और माफियाज का पता चल रहा है। हजारों माफियाज, जैनब का जो पूरा पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो मामला पूरे पंजाब में, ये बात किसे ढकी छुपी है और किन की प्रोटेक्शन है उनको हासिल है? खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान में अकलियती शिया फिरके की मासूम बेटी दुआ जहरा को चाइल्ड पोर्नोग्राफी माफिया के हवाले करने के अदालती फैसले को लेकर सिविल सोसाइटी में गम गुस्से की आग मुसलसल भड़क रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में रियासती पुश्त पनाही में अकलियतों के खिलाफ फिरका वारियत के जुनून में बढ़ते जुल्म जबर पर कराची की सड़कों पर अवामी सैलाब उमड़ पड़ा। हर घर में बहन बेटी बीवी माँ मौजूद है तो सबकी इज्जत और तहफ़ का मसला है। इस पे मैं कहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है सोमोटो एक्शन ले, उनसे गुजारिश है। जाहिर सी बात है ये जो है मसला जो है बड़ा तश्वीशनाक है और आवाम में मायूसी जो है बढ़ती जा रही है। इस मायूसी को दूर करें और पुरअमन जो है ये एहतजाज हम कर रहे हैं, ये उस वक्त तक जारी रहेगा। इनकी फैमिली की हम आवाज है, हम उस पर पूरे पाकिस्तान का हर तबका जो है इसमें मौजूद है और जाहिर है ये जुल्म है जिस तरह फैसला किया गया। पाकिस्तान के चारों सूबों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क के फैलते जाल के हकायक इससे पहले भी कई मर्तबा मंजरे आम पर आते रहे, लेकिन दुनिया भर में इंसानियत की दुहाई देने वाली पाकिस्तानी फौज और हुकूमत इस नेटवर्क की बढ़ती सरगर्मियों पर न सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है बल्कि दिफा करने की पुरजोर कोशिशें कर रही है। यही वजह रही कि कराची में सरापा एहतजाज अकलियती शिया फिरके की जमातों के रहनुमाओं और समाजी इंसानी हकूक इदारों के कारकुनान ने दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए सिंध सूबे के गवर्नर हाउस और सीएम हाउस तक अपनी फरियाद पहुंचाने की कोशिश की तो तमाम पुरअमन मुजाहिरीन को रास्ते में ही रोक लिया गया। अब बात पाकिस्तान में बलोचों के खिलाफ रियासती जुल्म ज्यादतियों में हुए होशुबा इजाफे की। पाकिस्तानी फौज ने इलाकाई और कुदरती वसाइल से मालामाल आजाद रियासत बलूचिस्तान पर 1948 में जबरन कब्जा जमाया और तभी से पाकिस्तानी रियासत बलूचिस्तान के बेशकीमती मादनियात का इस्तेहसाल कर रही है, लेकिन अब पाकिस्तान और चीन मिलकर सीपैक मंसूबे की आड़ में बलूचिस्तान पर मुस्तकिल कब्जा ही नहीं कर रहे बल्कि बलोचों को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रहे हैं। जब आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ता है तो जुबा साथ नहीं देती। अपने लापता बेटे के रंजो गम में निढाल इस वालदा के आंसू ही अब उसकी आवाज बन चुके हैं। ये बुजुर्ग खातून जमशाद बलोच नामी तालिब इल्म की वालदा है जिसे रवां साल 7 जून को उसके साथी तालिब इल्म
डोडा बलोच समेत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की जानिब से कराची में किराए के घर से जबरन अगवा कर लिया गया। कराची यूनिवर्सिटी में जेर तालीम इन तलबा का सबसे बड़ा गुनाह बनी उनकी बलोची शनाख्त और बलूचिस्तान जैसे पसमांदा सूबे से ताल्लुक रखने के बावजूद कराची आकर आला तालीम हासिल करने के ख्वाब संजोना। यही वजह रही कि पाकिस्तान में बलोचों पर बढ़ते रियासती जुल्म जबर के खिलाफ बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में प्रेस क्लब के बाहर मुतासिरा खानदानों और बलोच तलबा तालिबात की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मेरा एक हमजमात साथी, मेरा दोस्त, मेरा एक यार कमशाद बलोच, जिसे 7 जून को कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से गिरफ्तार किया गया और आज 5 दिन गुजर जाने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं है, उसकी कोई खबर नहीं है। गमशाद बलोच एक इंतहाई काबिल, एक इंतहाई पढ़ा लिखा नौजवान है, जिससे ना सिर्फ मैंने बल्कि हमारी पूरी क्लास के तमाम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। हाथों में बेड़ियां, आंखों पर काली पट्टी और जुबां पर खामोशी, ये एहतजाजी मुजाहरे हैं पाकिस्तान की इक्तसादी राजधानी कराची के। और कराची की सड़कों पर सरापा एहतजाज ये मुजाहिरीन हैं बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान। अगवा शुदा जमशाद बलोच और डोडा बलोच की बाजियाबी के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाजी मुजाहिरों के बाद धरना दिया गया। इस मौके पर बलोच यकजहती कमेटी के लीडरों और सियासी कारकुनान ने सिंध सूबाई असेंबली तक एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन बलोच तलबा तालिबात के पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारी जैसे तानाशाही हरबे इख्तियार किए गए। नतीजतन बलोच मुजाहिरीन ने सिंध असेंबली के बाहर धरना देकर खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान में मुसलमानों तक पर बढ़ते रियासती जुल्म व ज़ियादतियों को लेकर इंसाफ की गुहार लगाई। आप लोगों को सबको पता है कि 12:30 बजे इन्होंने हमें बताया कि CTG की मीटिंग करवाएंगे आपको 4 बजे, लेकिन वो अपने बात से मुकर चुके हैं। और आज हम जब पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं तो ये आज सारी नाकाबंदी हमारे लिए किए हैं, ये हम पे तशद्दुद कर रहे हैं, इन्होंने लाठीचार्ज भी किया है हम पे लाठीचार्ज भी किया है और हम पे तशद्दुद भी कर रहे हैं और लगातार हमें धमकियां दे रहे हैं। क्या तरीका है ये? बलोच तलबा की जबरन अगवाकारी के वाकयात सिर्फ बलूचिस्तान और कराची तक ही महदूद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बलोच तलबा तालिबात को सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत जबरन अगवा करके लापता किया जा रहा है। यही वजह रही कि पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में भी बलोच स्टूडेंट्स काउंसिल के बैनर तले शदीद एहतजाज किया गया। लाहौर में बलोच स्टूडेंट्स काउंसिल की जानिब से मुनक़िदा एहतजाजी मुजाहिरों में चंद रोज कबल अगवा किए गए बलोच तालिब इल्म फिरोज बलोच और डॉक्टर जमील बलोच की फिलफौर रिहाई का मुतालबा किया गया और पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से सियासी और अलहदगी पसंद बलोचों से अमन मुजाकरात की पेशकशों के ढोंग पर आलमी बिरादरी से एक्शन लेने की गुजारिश की गई। और इसके साथ साथ हम बलोच जो कौम परस्त सियासी पार्टी है, जो कौम परस्त सियासदान है, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप ही की वोट से ये हुकूमत बनी है। प्राइम मिनिस्टर जब बलूचिस्तान जाता है तो वहां पर कहता है कि मैं मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो मैं जो ताकतवर तबका है उनके साथ डिस्कस करूंगा। आपसे ऊपर आया कौन सी हुकूमत है जो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर भी ताकतवर थे? और कल 2 दिन पहले जब उन्होंने वहां पर दौरा किया तो वहां पर उन्होंने बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स की बात की, बेनजीर इनकम जो प्रोग्राम है आया, ये बलूचिस्तान बलोचों का मसला नहीं है, इन रोडों से कुछ नहीं होगा, उनका जो बुनियादी मसला है जिंदगी का मसला है, उनका जो उनके जेन्युइन डिमांड है वो आप उस पे बात करो
तो हम बलोच कौम परस्त पार्टी को लीडरान को ये कहना चाहते हैं कि आप ही की वोट से ये हुकूमत बनी है और आप ही की वोट से ये गिर भी सकती है। अगर आप हकीकी अपने कौम के नुमाइंदे हो तो अपने जो आवाम के मुतालबात है उनको सुनो। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सन 2019 में बलूचिस्तान निगलेक्टेड स्टिल नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के नायब सरबरा मामा कदीर बलोच के हवाले से 47,000 बलोच और 35,000 पश्तून लापता बताए गए, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की 3.5 बरसों की साबिका हुकूमत में हजारों की तादाद में बलोचों और पश्तूनों को अगवा बराए कत्ल किया जाता रहा और पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान में जबरन अगवाकारी के शिकार लापता बलोचों और पश्तूनों के मुतासिरा खानदानों का कहना है कि ऐसे चीनी मंसूबे सीपैक और ग्वादर पोर्ट की बढ़ती मुखालफत को दबाने के मकसद से किया जा रहा है, लेकिन जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब इंतकाम और इंकलाब की आग मजीद जोर पकड़ती है। ये सच्चाई बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में फौजी अहलकारों और चीनी शहरियों के खिलाफ बढ़ते खुदकुश हमलों की खतरनाक शिद्दत को देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। कराची में बिजली और पानी से महरूम मुहाजिरों में गम गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में एक मुसाफिर वैन खाई में गिरने की वजह से पेश आए हौलनाक हादसे में फौरी तौर पर 22 मुसाफिरों के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई और शदीद तौर पर जख्मी 13 साल के लड़के की हालत भी तश्वीशनाक बताई गई। ये हादसा बलूचिस्तान के बेहद पसमांदा पहाड़ी इलाके जोब जिले के किला सैफुल्ला के पास अख्तरजई में पेश आया। सोशल मीडिया पर हादसे की खबर मिलने पर रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हादसे के शिकार मुसाफिर वैन लोरालई से जोब जा रही थी। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका होने की वजह से तमाम मुसाफिरों की लाशें तलाश करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ईरान से उठी तेज हवाओं और आंधी तूफान के सबब प्री मानसूनी बारिश की वजह से पाकिस्तान में गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हाल लोगों ने काफी राहत महसूस की, लेकिन ईरान की सरहद से सटे बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों के बाशिंदों को इसका शदीद खमियाजा भुगतना पड़ा। खबरों के मुताबिक बलूचिस्तान के बुलंद तरीन पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की वजह से हरनई जिले के दुश्वार गुजार इलाकों में सैलाबी रेलों में दर्जनों मकान तबाह हो गए और सैकड़ों माल मवेशी बह गए। तूफानी बरसात के नतीजे में कई पुल तबाह बर्बाद हो गए और मुतअद्दिद मकानों की छत गिरने की वजह से कई मकामी अफराद की जानें तलफ हो गईं, लेकिन पाकिस्तान और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से मुतासिरा इलाकों में कोई राहती टीम नहीं पहुंची। खस्ता हाल मईशत के चलते पाकिस्तान को दिवालियापन से बचाने की हंगामी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने IMF से नए कर्जों के मुआहदों की खातिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 60 रुपए फी लीटर का रिकॉर्ड तोड़ इजाफा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI की जानिब से इस इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों की रहनुमाई करने वाले PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के लीडरों ने कहा कि अमेरिका की कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत ने IMF के आगे सरेंडर कर दिया है और अब वो अमेरिका और IMF की हिदायत पर फैसले लेकर गरीबों का जीना मुहाल कर रही है।
एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में रियासती जुल्म जबर और सौतेले सलूक से दो चार मुहाजिरों की काबिल रहम सूरत हाल का। हालांकि कराची में कारोबारी तबके से वाबस्ता कराची और सिंध सूबे के दीगर शहरों में रिहायश पजीर मुहाजिर खानदान पाकिस्तानी हुकूमत को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, ताहम सितम जरीफी यह है कि पाकिस्तानी हुकुमरान और सरकारी महकमे कराची में मुहाजिरों की रिहायशी बस्तियों को शदीद गर्मी में बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात तक फराहम कराने की मुसलसल अनदेखी कर रहे हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे अब रोज का मामूल बन चुके हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड्स लेकर सरापा एहतजाज मुजाहिरीन मुहाजिर कौम से ताल्लुक रखने वाले मकामी बाशिंदगान हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत को सबसे ज्यादा तकरीबन 70% रेवेन्यू देने वाले कराची शहर में मुसलसल बढ़ती गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी की शदीद किल्लत ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। न दिन का पता है और न ही रात की कुछ खबर। तवील घंटे के बाद कभी बिजली आती है तो मुंह चढ़ाकर चली जाती है। बुजुर्ग परेशान और बच्चे करवटे बदलकर रात गुजार रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को जरा भी रहम नहीं आ रहा। ये एहतजाज जो हो रहा है इस वक्त के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के खिलाफ, क्योंकि इलाके में अरसे से गैर एलानिया लोड शेडिंग है और तकरीबन 12-12 घंटे लोड शेडिंग रहती है। रहा पानी का मसला, तो पानी के लिए गटर का पानी, सीवरेज का पानी घरों में आता है और इस बात को भी आज 3 साल हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची में यौमिया 15 से 20 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। ताजिरों का कहना है कि आलमी वबा कोविड-19 और हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से कारोबार और रोजगार तो पहले से ही बुरी तरह मुतासिर थे, लेकिन लोड शेडिंग ने उनकी बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। लोड शेडिंग में लगातार हो रहे इजाफे ने तो उनका घरों तक में जीना मुहाल कर दिया है। शदीद गर्मी में हुक्मरान तबका उन्हें न बिजली मुहैया करा पा रहा है और न ही पीने के लिए पानी। हालात इस कदर बदतर हैं कि बिजली की आंख मिचौली के बावजूद बिजली बिलों में लगातार इजाफा हो रहा है। मेरे कैंप के ऊपर ऐसी ऐसी खवातीन आई जिनके 3-3 चाचा, छोटे छोटे मासूम बच्चे बिलखते हुए, और वो आंसुओं से रो रही थी। बोल रही थी मैं अपने बच्चे का दूध नहीं खरीदूंगी, मेरा बिल जो है ना करंट बिल बना दो, मैं बिल भर देती हूँ। इतना जुल्म इस आवाम के ऊपर हो रहा है कि वो अपने बच्चों के दूध के पैसों से बिल भर रही है, लेकिन वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही कि कहीं वो बिजली से महरूम ना हो जाए। उसके बावजूद 12-12 घंटे ये लोड शेडिंग कर रहे हैं, ये आवाम पे जुल्म है। कराची के बाशिंदों और सामाजिक कारकुनान का कहना है कि वाटर बोर्ड के आला अफसरान बदउनवानियों में डूबे हुए हैं। नतीजतन वाटर बोर्ड के मुलाजमीन भी पानी टैंकर माफिया के साथ साठ गांठ करके कराची शहर में मनमानी कीमतों पर पानी फरोख्त करवा रहे हैं और शिकायत करने पर मुहाजिरों की रिहायशी बस्तियों में गंदा और आलूदा पानी सप्लाई कर देते हैं। जी हमें पानी की और बिजली की बहुत ज्यादा परेशानी है। वाटर बोर्ड पानी बेच रहा है, जो पैसे दे रहे हैं उनको बहुत ज्यादा पानी दिया जा रहा है और हम बच्चों के साथ बहुत परेशान है। गंदा पानी गटर का दिया जा रहा है, जिस्मानी बीमारियां हो रही है और के इलेक्ट्रिक की वजह से हमें पूरी रात, फजर के बाद हमें बिजली दी जाती है, पूरी रात हम कांटों पे गुजारते हैं, पंखा जलते जलते थक जाते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग की बच्चों की डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज्यादा हम परेशान हाल है, क्या करें। जो कुंडे लगाते हैं उनको दिया जाता है और हमारे मीटर पे हमें बहुत ज्यादा बिल दिए जाते हैं। इतनी लाइट जा रही है, 24 घंटे से 2-3 घंटे लाइट देते हैं और बिल भेज देते हैं 9-10 हजार का, कहां से हम गरीब देंगे। सिंध सूबे की राजधानी कराची में मुहाजिरों की रिहायशी बस्तियों को बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात मुहैया कराने में हमेशा से इम्तियाजी सलूक होता आया है।
यही वजह है कि कराची में MQM और जमात इस्लामी जैसी सियासी पार्टियां कराची में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर शदीद एहतजाजी मुजाहरे करती आई हैं। लेकिन कराची में बिजली पानी के लिए आवाज उठाने वाले लीडरान और सियासी कारकुनान को खामोश करने के लिए रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। इन मुश्किल हालात में हुक्मरान तबके को शर्मसार करने के लिए मुजाहिरीन अब अजीबोगरीब तरीके इख्तियार करने पर मजबूर हो रहे हैं। आखिर में एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।